तो मेरा जन्म दिल्ली में 11th नवंबर 1988 को हुआ। मैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल में पैदा हुआ। मेरा सारा बचपन दिल्ली में ही बीता है। पला बड़ा दिल्ली का, स्कूल दिल्ली में गया, कॉलेज दिल्ली में गया, नौकरी दिल्ली में करी। तो दिल्ली की पैदाइश, दिल्ली में पढ़ा लिखा, तो दिल से, दिमाग से और हर प्रकार से पक्का दिल्ली वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली के ही एक स्कूल मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में हुई। कॉलेज के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया और फिर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए किया, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी। जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारे देश का सवाल है, सदैव से जब मैं छोटा बच्चा भी था, मुझे याद है कि जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन होता है। न्यू क्लास टीचर आपकी क्लास में आती हैं और वो पूछती हैं कि आप अपना नाम बताइए, आप अपने माता पिता का नाम बताइए और आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर एम्बिशन, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इस बारे में दो शब्द कहें। तो मुझे याद है कि हर साल, साल भर साल, जब जब ये होता था दिस राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन, तो मैं अपना नाम बताता था, अपने माता पिता का नाम बताता था और हमेशा ये कहता था कि मुझे बड़े होकर फौज में जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है। तो शुरू से ही मेरे मन में ये था। मुझे याद है कि मेरी एक क्लास टीचर ने तो हमारे एक बारी स्कूल में एक बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर एज अ चीफ गेस्ट किसी फंक्शन के लिए हमारे स्कूल में आया। तो मुझे आज भी याद है, मैं क्लास में बैठा हुआ था और मेरी एक क्लास टीचर ने मुझे क्लास से बाहर बुलाया और कहा तुम मेरे साथ चलो, और मैं डर गया। मुझे लगा कि शायद मैंने फिर कोई शैतानी कर दी है, आज फिर मेरे को सस्पेंड किया जाएगा या डांट लगाई जाएगी। पर वो मुझे एक हॉल में ले गई जहाँ पर वो बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर आए थे, उनसे मिलवाया और कहा भाई ये लड़का है, ये पिछले 4 साल से हर साल ये कहता है कि मुझे फौज में जाना है, तो आप इनसे मिलिए और इसको थोड़ा गाइड करिए और बताइए ये कैसे अपने उस ड्रीम को अचीव कर सके। सो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट वॉज माई आइडिया ऑफ एट दैट टाइम सर्विंग द नेशन, कि देश के लिए कुछ तो करें। और एक छोटे बच्चे के हिसाब से, एक जो बच्चा बढ़ रहा होता है, उम्र में बड़ा हो रहा होता है, शिक्षा ले रहा होता है, उस समय देश सेवा के लिए लगता है कि शायद फौज ही इकलौती ऐसा है जिसमें जाकर आप देश की सेवा कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ता गया, सारा समय, सारी एनर्जी उसी में लगी। पर जब ये अन्ना हजारे की मूवमेंट हुआ, देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन में मुझे लगता है देश का सारा युवा, देश का तमाम युवा उस आंदोलन से जुड़ा और कहीं ना कहीं तमाम देशवासियों की आवाज़, तमाम देशवासियों की मांग, तमाम देशवासियों की उम्मीद उस आंदोलन से बंधी और मैं भी उन लाखों करोड़ों युवाओं की तरह उस आंदोलन में शरीक होने के मैंने प्रयास करे और जो मैं कर सका मैंने किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी तो आम आदमी पार्टी के का हिस्सा बने और वहाँ से फिर देश सेवा की, समाज सेवा की यात्रा शुरू हुई। देखिए, हमारे देश के जो निर्माता हैं, जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश की परिकल्पना करी, उन्होंने भारत के संविधान में बहुत ही सुंदर तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया का वर्णन करा है और कैसे आइडिया ऑफ इंडिया में सोशल हार्मनी रहे, कम्युनल हार्मनी रहे, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार की विचारधारा वाले लोग साथ में मिलजुल कर प्यार से, प्रेम से रहें और एक भ्रष्टाचार मुक्त, सांप्रदायिकता मुक्त भारत बने, यही मेरे ख्याल से हम सबका आइडिया ऑफ इंडिया होना चाहिए। मैं किसी के साथ कंपीट नहीं करना चाहता कि मेरा आइडिया ऑफ इंडिया तुम्हारे आइडिया ऑफ इंडिया से बड़ा है या बेहतर है या अच्छा है, और मैं किसी के आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज भी नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबका आइडिया ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के अंदर जो आइडिया ऑफ इंडिया की परिकल्पना है उससे मेल खाना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे संविधान में तमाम जातियों के, धर्मों के, विचारधाराओं के, भिन्न भिन्न प्रकार के मत रखने वाले लोगों का एक संगम, एक कोएग्जिस्टेंस की बात हमारे संविधान में है, मेरे ख्याल से वही एक आइडिया ऑफ इंडिया, एक मैं कहूँ कोहेसिव और सबसे सुंदर आइडिया ऑफ इंडिया उसी से निकलता है। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, कई रिस्पेक्ट्स में मैं कहूँ हम सब भारतवासियों को
जब ये देश बना तो दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपोगेटिंग वंस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कई प्रकार की फ्रीडम्स हमारे आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो हमारे संविधान का उसमें दी गई है, और साथ ही साथ कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी उसके साथ दी गई हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, आप जो चाहें बोल सकते हैं, बट 3-4 विषय हैं कि आप देश के खिलाफ एक प्रकार से देश कोई ऐसा बयान जिससे इंटरनल एग्रेशन हो, कोई आर्म्ड रिबेलियन हो, इस प्रकार की चीज़ें ना बोलें, तो उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी आज़ादी एक लोकतांत्रिक राज्य में, एक लोकतांत्रिक देश में एक देशवासी के पास होनी चाहिए, वो हमारे संविधान में तो अवश्य लिखी हैं, पर आज के दौर में उसमें से कई प्रकार की आज़ादी हम देशवासियों को शायद कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है। आज कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस जिनका बखान हमारे संविधान में भी नहीं किया गया है, वो हम पर थोपी जा रही हैं। आज चारों तरफ डर का माहौल है, आज हर व्यक्ति को लगता है उसकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, आज हर व्यक्ति को लगता है उसका फ़ोन शायद कोई सुन रहा है, उसकी ईमेल्स कोई पढ़ रहा है, उसके ऊपर एक सर्वेलेंस है, एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में है हम सर्वेलेंस स्टेट बन गए हैं। आज यदि आप किसी एक खास नेता के बारे में कुछ बोल दें तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, पूरी प्रशासन के सारे तंत्र, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, वो आप पर धड़ाधड़ मुकदमे दायर करने लगती हैं और उसको आपके पीछे पड़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, और कहीं ना कहीं जो आज़ादी हम सबको मिलनी चाहिए, चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, चाहे अपना धर्म और अपना अपनी अपनी व्यवसाय और अपना व्यापार करने की आज़ादी हो, जो जो तमाम आज़ादियाँ जिनका बखान हमारे संविधान में किया गया है, वो कहीं ना कहीं आज उस पर किसी प्रकार की एक एक प्रतिबंध और एक प्रकार की रोक लगती नज़र आ रही है। और ये केवल मैं ही महसूस नहीं कर रहा हूँ, दिन रात हम लोगों से मिलते हैं, जनता में रहते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो देश का युवा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित समाज से आते हों, हर जगह एक डर का माहौल, एक डिससेटिस्फैक्शन का माहौल, एक डिसइंचेंटमेंट का माहौल नज़र आता है। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, जहाँ तक व्यापार की बात है, भारत एक बहुत फंडामेंटली मजबूत देश है, हमारा देश फंडामेंटली बहुत मजबूत है। इसीलिए आपने देखा कि 2008 में, 2007-8-9 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया, सब प्राइम लॉस का यूएस के अंदर एक दौर आया जिसमें यूएस और तमाम बड़े बड़े विकसित देशों की इकोनॉमीज बर्बाद हो गई, समाप्त हो गई, और लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियाँ चली गईं, बेरोज़गारी बढ़ गई, व्यवसाय ठप हो गए, उस दौर में भी हमारा देश मजबूती से खड़ा रहा, हमारा देश हिला नहीं, डगमगाया नहीं, और हमारे देश के विकास की गति, हमारी इकोनॉमी के प्रोग्रेस की गति थमी नहीं, बढ़ती गई। पर पिछले कुछ सालों में, खास करके पिछले 3-3.5 सालों में, कुछ ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसके चलते भारत की इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम उल्टी हो गई है। जिस स्पीड पे हमें बढ़ना चाहिए था, उस स्पीड पे हम नीचे जा रहे हैं। जिस स्पीड पे हमारी बेरोज़गारी समाप्त होनी चाहिए थी, उस स्पीड पे हमारी देश की बेरोज़गारी बढ़ रही है। जिस स्पीड पे महंगाई समाप्त होनी चाहिए थी, उस स्पीड पे महंगाई बढ़ रही है। और ये इसके फैक्ट्स और इसके आंकड़े भी हम सबके सामने हैं। आज डॉलर कितना रुपये के मुकाबले मजबूत होता जा रहा है और हमारे देश का रुपया कितना कमज़ोर होता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, आप जानते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आज़ाद भारत के इतिहास में कभी इतने नहीं छुए जितने ज़्यादा महंगा आज के समय बिजली, आज के समय पेट्रोल और डीजल हो गया है। लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, नौकरियां देना तो छोड़, लोगों को जो जिनके पास नौकरियां थीं वो नौकरियां भी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा एक जो इकोनॉमिक हमारा स्ट्रक्चर है वो डगमगा सा गया है, वो हिल गया है, और इसके कुछ कारण हैं। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करी, जैसे कि नोटबंदी, जिससे केवल अमीर को फ़ायदा हुआ और कुछ खास लोगों को, कुछ देश के 10-15 उद्योगपतियों को इसका लाभ पहुंचा और हम सबकी जेब पे सरकार ने डाका डाला। जहां तक जीएसटी की बात करें, जीएसटी एक सुनहरा कॉन्सेप्ट है, हमारी पार्टी ने सदैव से जीएसटी का समर्थन किया है।
जीएसटी जिन जिन देशों में आज तक लागू हुआ है उनके विकास की गति और बढ़ी है, वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हुई है। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी को जिस हिसाब से लागू करा है और जिस प्रकार का जीएसटी लागू करा है, ये अपने आप में ही जीएसटी के जो आइडिया है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको नकार देता है। जिस जीएसटी को इन्होंने लागू करा है वो एक फ्लॉड जीएसटी है, और मैं तो कहूँगा वो जीएसटी भी नहीं है, वो एक प्रकार से रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट है। वो जीएसटी सही मायनों में है भी नहीं, जिस प्रकार से जीएसटी अन्य देशों में लाया गया है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की जहाँ तक बात करें, एक नए इनडायरेक्ट टैक्स को लागू करने की बात हम जहाँ तक करें, वो बेहद खराब तरीके से, बेढंगे तरीके से लागू करा गया है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में अब देश हमारे जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे कि किस प्रकार से एक इनडायरेक्ट टैक्स को लागू ना किया जाए, उसकी स्टडी जीएसटी हमारा बन चुका है। और मजाक का, हास्यास्पद तरीके से आज के समय लोग हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी को लेते हैं, ये दुख का विषय है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी खराब, जीएसटी का जो फॉर्मेट ये लोग लाए हैं, जो वर्जन लाए हैं, वो खराब, साथ ही साथ नोटबंदी जैसे निर्णय लिए गए हैं, इन सब ने कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, हिला दिया है। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी होता है कि आज की सरकार, मोदी जी की सरकार, इंटेलेक्चुअल्स को, अर्थशास्त्रियों को, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडियन मार्केट को समझते हैं, इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं, सालों से उसमें किस प्रकार से गति लाई जाए, नौकरियां बनाई जाएं, व्यापार को एक तरीके से समर्थन दिया जाए, उस प्रकार की नीतियां जो लोग बनाते हैं, उन लोगों को इन सरकार ने दरकिनार कर दिया है। यहाँ एक या दो व्यक्ति ही हैं जो सारे निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे मुझे लगता है निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय पहले लिए जाते हैं, उसके बारे में सोचा बाद में जाता है। तो कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, हिला दिया है, और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि वो मजबूत देश, वो मजबूत अर्थव्यवस्था जो 2008 के से 2012 तक के, जब ग्लोबल रिसेशन आया, जब पूरे देश में एक सबप्राइम लॉसेस का दौर चला, जब हर विकसित देश की इकोनॉमी गिर गई, बेरोजगारी बढ़ गई, वहाँ के बिजनेस चौपट हो गए, कई के बड़े बड़े उद्योगपति भी समाप्त हो गए, गरीब जनता भी समाप्त हो गई, बहुत बुरे दौर से इस पूरे विश्व में 2008 से 2012 का समय बीता है, उस दौरान भी हमारा देश मजबूती से खड़ा रहा। वो इसलिए क्योंकि हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, हम लोग ज़मीनी तौर पे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। पर उस मजबूती को भी एक प्रकार से मैं कहूँ मोदी सरकार ने पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। भारत एक बहुत युवा देश है, जैसा कि आपने बताया लगभग 65% आबादी इस देश की 35 साल की उम्र से कम है, लगभग 50% आबादी हमारे देश की 25 साल से कम है, तो बहुत युवा देश है, वी आर अ वेरी यंग कंट्री। 2020 में हमारे देश की एवरेज एज, औसतन उम्र, औसतन आयु हमारे देश की 29 साल होगी, जापान की 47 होगी, चाइना की 39 होगी, कई यूरोपीय देश की तो 50 से भी अधिक होगी। तो हमारा देश एक बहुत युवा देश है, पर युवा उस प्रकार से देश की राजनीति में शामिल नहीं हुआ है। आज यदि एक, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी उस दिन पढ़ रहा था कि हमारे देश की औसतन आयु और हमारे सांसदों की औसतन आयु में बहुत बड़ा अंतर है, और विश्व में सबसे बड़ा अंतर है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एज ऑफ द कंट्री एंड द एवरेज एज ऑफ आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज़ द हाइएस्ट, द बिगेस्ट इन इंडिया इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब देश का युवा देश की राजनीति में आएगा नहीं, जब देश का युवा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, जब देश का युवा MLA या MP नहीं बनेगा, लेजिस्लेटर नहीं बनेगा, लॉ मेकर नहीं बनेगा, नीतियां, देश का कानून नहीं बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि देश का युवा पिछड़ता जाएगा, और देश के युवा की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होगी, पॉलिसी बनाने में हिस्सेदारी नहीं होगी, और हिस्सेदारी होगी तो देश के युवा के लिए कानून बनेंगे, देश के युवा और युवा से जुड़ी समस्याओं के लिए नीतियां बनेंगी, उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा, बड़ा स्पष्ट है। देश का युवा देश की राजनीति से इसलिए भी नहीं आज तक जुड़ा और ना जुड़ना चाहता है क्योंकि कुछ खास परिवारों का और कुछ खास पार्टियों का देश की राजनीति पर कब्जा है,
उन लोगों ने अपनी निजी दुकानें समझकर देश की राजनीति को चलाया है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को चलाया है। आज यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन ना हो ज़्यादा, जिसके पास बाहुबल यानी कि मसल पावर ना हो, मीडिया पावर ना हो, मनी पावर ना हो, और उसका राजनीति में कोई माई बाप ना हो, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर ना हो, या किसी ऐसे परिवार से ना आता हो जिस परिवार में कई बड़े मंत्री या कई बड़े नेता जन्मे हों, तो वो भारतीय राजनीति में आगे बढ़ ही नहीं सकता। बताइए कौन सी पार्टी उसे मौका देगी। आज भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से पीड़ित है, कांग्रेस पार्टी तो सदैव से परिवारवाद से पीड़ित है, और मैं आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ परिवार दर परिवार कि कैसे इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्राइवेट फैमिली बिजनेस बना दिया, प्राइवेट कंपनी बना दिया है। और ये केवल दो पार्टियों का उदाहरण नहीं, देश की तमाम पार्टियों का आप नाम लें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आप पीडीपी से लेकर आप आरजेडी से लेकर आप समाजवादी पार्टी से लेकर आप कांग्रेस से लेकर शिवसेना से लेकर बीजेडी से लेकर डीएमके एआईडीएमके से लेकर तमाम पार्टियों की यही हालत है। आज यदि देश में वास्तव में कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है, जो युवा पार्टी है, जिस पार्टी में लगभग सब जो फोरफ्रंट के नेता हैं वो सब युवा हैं, सब यंग हैं, सब युवा सोच रखते हैं, देश के युवा को उस पार्टी में आकर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा दी जाती है, उसको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उसमें विश्वास जताया जाता है, वो केवल एक ही पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। आज आम आदमी पार्टी में कितने युवा लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज कहें, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे कहें, चाहे आप हमारे एमएलए के लिए देखें, चाहे आप हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देखें, सब युवा हैं। तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आपको अपनी प्रतिभा, अपने समर्पण और देश प्रेम को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और आगे बढ़कर देश सेवा में पार्टी की मजबूती से पार्टी को मजबूत करने का मौका मिलता है, वो आम आदमी पार्टी है। इस पार्टी में आपको कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या कोई परिवारवाद की बैकिंग नहीं चाहिए, आपको मसल पावर मनी पावर की बैकिंग नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है इस प्रकार के जब नए राजनीतिक प्रयोग होंगे, जैसे आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक प्रयोग है और आज एक बहुत सफलतापूर्ण राजनीतिक प्रयोग है जिसको दिल्ली में इतनी सफलता मिली, अन्य राज्यों में सफलता मिल रही है, पंजाब में इतनी सफलता मिली, जब ऐसे राजनीतिक प्रयोग होंगे या आम आदमी पार्टी और विस्तार करेगी तो देश का युवा देश की राजनीति से जुड़ेगा। जब देश की राजनीति से देश का युवा जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि देश के युवा के मन में जो परेशानियां हैं और उससे जुड़ी नीतियां बनाने का प्रयास देश का युवा खुद करेगा। देश के किसी नेता के बारे में कुछ कहना, उसको उसकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ करना, उसके आचरण को क्रिटिसाइज़ करना, यदि हमारे किसी देश के नेता से कोई भूल हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, उस गलत काम को क्रिटिसाइज़ करना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की नीतियों, देश के प्रधानमंत्री के आचरण, देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में आप अपने विचार रखें, उनका क्रिटिसिज्म दें, वो देश का क्रिटिसिज्म नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि वास्तव में वो व्यक्ति असली देशभक्त है जो देश के हित में देश की सरकार के खिलाफ भी अपना मत रखता है, देश की सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराता है, वो सच्चा देशभक्त है, क्योंकि वो देश की उन्नति कैसे इंडिया प्रोग्रेस हो उसके बारे में सोच रहा है। तो देश की सरकार को देश से अलग हटके देखना पड़ेगा, देश हित में आप देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के मंत्री, देश की नीतियां, जो हमारी देश की सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, उनके बारे में अपना क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, उसका क्रिटिसिज्म, उसके बारे में अपना विरोध दर्ज कराना देश के खिलाफ विरोध दर्ज कराना नहीं है। इन दोनों को आपको हटाकर, इसका संधि विच्छेद कर इसे देखना पड़ेगा। एक ऐसी कौन सी चीज़ जो हमारे देश को एक सुपर पावर बना देगी, या हमारे देश को सबसे विकसित कर देगी, या हमारे देश को तमाम देशों से दौड़ में कहीं आगे कर देगी, वो है शिक्षा। हमारी पार्टी का, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का सदैव से ये कहना है कि एक शिक्षित राष्ट्र एक समर्थ राष्ट्र बनाता है, एक शिक्षित राष्ट्र एक समर्थ राष्ट्र बनाता है। तो जब हमारे देश शिक्षित हो जाएगा, जब हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो अपना खुद करियर बना सकते हैं, अपनी खुद सफलता के राह तय कर सकते हैं और सफलता यात्रा पे आगे बढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन
इज ऑफ फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और सदैव से आपने हमारे भी, जब से हमारी सरकार आई है, देखा है, चाहे वो हमारा एनुअल बजट हो, चाहे वो हमारे पॉलिसी डिसीजंस हो, हमने हमेशा शिक्षा को, एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटी दी है, जिसके चलते देश में पहली बार एक सरकार ने अपने एनुअल बजट का 25% हिस्सा, यानी कि 25% ऑफ द एनुअल बजट एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च किया। इतने नए स्कूल बने, नए क्लासरूम बने, इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, टीचर्स के मोटिवेशन के लिए टीचर्स को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, सरकारी अध्यापकों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई गई कि किस प्रकार से आप उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माँ बाप की भागीदारी से स्कूल चला सकें। मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही हैं, जहाँ एक गरीब तबके का आदमी भी अपने बच्चों को अगर दिल्ली सरकार के स्कूल में भेजता है, तो वो मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग में जाकर हिसाब मांगता है वहाँ की क्लास टीचर से, वहाँ की प्रिंसिपल से, कि बताओ पिछले 6 महीने में मेरे बच्चे ने कैसी पढ़ाई करी, और यदि वो ठीक से नहीं पढ़ रहा तो उसका क्या कारण है। तो जिस प्रकार से कई 100 इनिशिएटिव्स दिल्ली सरकार ने लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। और दिल्ली सरकार ने ये दिखाया है कि यदि आपका फोकस शिक्षा पर हो और देश को शिक्षित करने पर हो, तो देश अपने आप समर्थ हो जाएगा, देश का विकास ऑटोमेटिक है। तो शिक्षा एक, मैं कहूँगा, एक इकलौती ऐसी चीज़ है, यदि उस पर तमाम सरकारें अपना ध्यान आकर्षित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं कि कैसे अन्य राज्य भी हमारे देश के, जैसा कि अभी आपने थोड़े समय पहले अखबार में पढ़ा होगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने तमाम ऑफिसर्स की, अपने ब्यूरोक्रेट्स की एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में कहा कि दिल्ली सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, आप उसके मॉडल को जाके स्टडी करिए, दिल्ली मॉडल को स्टडी करिए, और हमारे राज्य में वो कैसे लागू किया जाए इस पर काम करिए। आज अमेरिका के अखबारों में, जर्मनी के न्यूज़ चैनल्स पर, रूस, फ्रांस जैसे विकसित देशों के मीडिया पर दिल्ली सरकार ने शिक्षा में जो क्रांति लाई है और क्रांतिकारी बदलाव लाया है, उसके चर्चे हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये दिखाता है कि यदि आपकी सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में फोकस हो, तो देश का विकास ऑटोमेटिक है। और किस प्रकार से, कितनी अड़चनों के बावजूद, कितनी मुसीबतों के बावजूद, एक सरकार, एक ईमानदार सरकार, एक पढ़ी लिखी सरकार यदि चाहे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करके भी दिखा सकती है, वो हमने करके दिखाया है। तो शिक्षा एक, मैं कहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश के विकास में, देश को सुपर पावर बनाने में। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारत देश सुपर पावर 2014 में ही बना, उनको लगता है कि उनके आने से ही देश का विकास हुआ है। ये मैं कहूँगा कि सारे लोग जानते हैं कि देश का विकास पिछले 70 सालों में कैसे कैसे अपनी स्पीड पर हुआ है। हमने अच्छे प्रधानमंत्री भी देखे हैं, हमने अच्छे मंत्री भी देखे हैं, हमने अच्छे वित्त मंत्री भी देखे हैं, हमने अच्छे रक्षा मंत्री भी देखे हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी इस देश ने देखे हैं, और कई खराब नेता और कई खराब मंत्री भी देखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि देश का विकास 2014 से ही शुरू हुआ और भारत देश सुपर पावर 2014 में बना, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। दुख की बात यह है कि हमारे देश में सिटीजन्स का रोल, नागरिकों का रोल, केवल 5 साल में एक बार अपने घर से निकलकर वोट डालना रह गया है। और कहीं ना कहीं इसके लिए देश की राजनीति और देश की सरकारें जिम्मेदार हैं। यदि आप सिटीजन्स को, देश के नागरिकों को, अपनी राजनीति का, अपनी नीतियों का, अपनी गवर्नेंस का हिस्सा बनाएंगे, उनकी भागीदारी से चलेंगे, तो उनके एक्टिव रोल से राज्य की और देश की विकास की गति और बढ़ेगी, और बहुत अच्छे से आपकी पॉलिसीज़ बनेंगी और अच्छे से आपकी नीतियां लागू भी होंगी। हमने सदैव से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करी है। जैसे कि स्कूल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने एक स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ यानी कि वो कमिटी स्कूल की जिसमें बच्चों के माँ बाप, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके माँ बाप उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा होते हैं, और वो बताते हैं कि क्या यहाँ पे काम होना चाहिए, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, पानी साफ़ नहीं आ रहा तो पानी साफ़ आए, अगर टेबल चेयर नहीं है तो न्यू टेबल चेयर लाई जाए, नई डेस्क लगाई जाए। तो सारे जो निर्णय
होते हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ के मार्गदर्शन में लिए जाते हैं। तो ये एक भागीदारी सिस्टम आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से जब हमने सरकार बनाई तो हमने जब अपना एनुअल बजट रखा तो बजट के अंदर एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हमने कहा कि ये मोहल्ला सभाओं द्वारा डिसाइड करा जाएगा कि कैसे ये खर्च होगा, यानी कि हर इलाके में अलग अलग मोहल्ला सभाएं होंगी और वो बताएंगे कि भाई ये हमारा फंड है, इससे हमारे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगे या लाइब्रेरी बने या हमारे सड़कों की मरम्मत हो या सीवर की लाइन डाली जाए, क्या काम हो। क्योंकि यदि आप वहाँ रहते हैं आपको सबसे ज़्यादा पता है और आपको सबसे बेहतर पता है कि आपके मोहल्ले के विकास के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरत है जिसकी। किसी एक सरकारी अफसर को एक एसी कमरे में बैठकर नहीं पता कि आपके मोहल्ले में जहाँ पर रहते हैं वहाँ सबसे ज़रूरी काम क्या होना चाहिए। तो एक पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के प्रति आगे बढ़ने का इच्छा आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी नीतियों द्वारा, अपने बयानों द्वारा दिखाई है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि समाज का, तमाम सिटीजन्स का रोल केवल 5 साल में एक बार वोट डालना नहीं होना चाहिए। उनका रोल रोज़ाना की सरकारी नीतियाँ, रोज़ाना की सरकारी नीतियों को लागू करने में भी कहीं ना कहीं होना चाहिए और उससे सिस्टम की जवाबदेही उनके प्रति होती है, सरकार की जवाबदेही उनके प्रति होती है। जैसे कि आपको एक और उदाहरण दूं, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, तो हमने ये भी निर्णय लिया कि मान लीजिए आपके घर के बाहर एक सड़क बननी है, अब वो 4 इंच की मोटी सड़क बननी है और कॉन्ट्रैक्टर ने बनानी है। अब यदि वो कॉन्ट्रैक्टर 4 इंच की सड़क बनाने के बजाय 1.5 इंच मोटी सड़क बना देता है और खुद पैसा बचाता है, अपनी जेब में पैसा डालने का प्रयास करता है, तो उसकी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर की तभी होगी जब वहाँ के नागरिक, वहाँ के रहने वाले क्षेत्रीय लोग ये अप्रूवल देंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम करा वो हमारी आशा अनुसार था, जैसा हम चाहते थे उतना बढ़िया काम इसने करके दिया। और यदि वहाँ के लोग कहेंगे कि नहीं जी, यहाँ पे तो काम हमारे अनुसार नहीं हुआ, हम तो 4 इंच की कमिटमेंट करी थी, दस्तावेज़ों में भी 4 इंच मोटी सड़क बननी चाहिए थी, सड़क तो केवल 1.5 इंच मोटी बनी है, सरकार इसकी पेमेंट ना करे तो सरकार उसकी पेमेंट नहीं करेगी। इस प्रकार की पॉलिसीज़, इस प्रकार की पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज़ आम आदमी पार्टी की सरकार लाई। तो हमारा तो हमेशा से ये मानना है कि सिटीजन्स को, देश की जनता को नीतियों में और सरकारों की गवर्नेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की आवश्यकता है, पर उसके लिए सरकारों को और राजनीतिक दलों को ये रास्ता तैयार करना पड़ेगा। देखिए, हम इस लेफ्ट और राइट की बाइनरीज में फंसने वाले नहीं हैं कि हम लेफ्ट हैं कि हम राइट हैं कि हम कहाँ हैं। अगर आप फिर भी पूछें तो मैं बोलूँगा आम आदमी पार्टी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। हम लोगों का हमेशा से हमारी विचारधारा ये रही है कि जो क्रम में आखिर में आदमी खड़ा है, औरत खड़ी है, उसके आंसू कैसे पहुँचे जाएँ, उस तक बुनियादी सुविधाएं कैसी पहुँचाई जाएँ। तो गरीब आदमी के बारे में सोचना, समाज का विकास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना और एक भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और सांप्रदायिकता मुक्त भारत की राजनीति बने, ऐसी कल्पना, ऐसी आशा आम आदमी पार्टी की और ऐसी विचारधारा आम आदमी पार्टी की है। तो मैं इसको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज करके ना देखना चाहता हूँ ना बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम वास्तव में लेफ्ट और राइट के इस झगड़े में कंफ्यूज नहीं होते हैं। हम बहुत सेंट्रिस्ट और क्रम में जो अंतिम में इंसान खड़ा है उसके आंसू कैसे पोंछे जाएँ, उस तक कैसे बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ, उसके बारे में सोचते हैं। देखिए, आने वाले लोकसभा इलेक्शंस बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक ही सवाल आजकल दिल्ली की जनता से पूछता हूँ। दिल्ली की जनता ने 2014 में बहुत भारी बहुमत से मोदी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया और दिल्ली के 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताया। उसके 6-8 महीने 10 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, और दिल्ली वालों ने उससे कहीं ज़्यादा प्यार से, आशीर्वाद से और मतों से आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 विधायक दिए और आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। अब मैं जनता से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में क्या वो 7 सांसद आपको नज़र भी आए? क्या उन 7 सांसदों ने आपके लिए कोई एक भी अच्छा कार्य करा? क्या उन 7 सांसदों ने अपनी सांसद निधि आपके विकास कार्यों पर खर्च करी? कोई भी अच्छा काम कराओ तो आप बताएं। तो लोग कहते हैं नहीं जी, हमें तो नज़र नहीं आए कोई, हमारे लिए तो कोई अच्छा काम नहीं करा, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। अब तो न्यूज़ चैनल और अखबारों में भी नहीं नज़र आते, उसमें भी केवल मोदी जी नज़र आते हैं।
तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए, पिछले 3-3.5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने, झाड़ू वाली सरकार ने आपके लिए कुछ अच्छा काम करा क्या? आपके बिजली के बिल सस्ते हुए? कहते हैं हाँ जी हुए। आपके पानी मुफ्त हुआ? लोग कहते हैं हाँ जी पानी मुफ्त हुआ। मैंने कहा जी दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई और शिक्षा में क्रांति आई? कह रहे हैं बिल्कुल जी क्रांतिकारी बदलाव आया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने, हमारे अस्पतालों में तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन, दवाई दवा सब मुफ्त हुई। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक भी चकाचक चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा जब इतनी काम आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने किया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको वोट दोगे? तो कहते हैं हम अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे, झाड़ू वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको मजबूती देने की जरूरत है। जब इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी अड़चनों के बावजूद, इतना विकास, इतने अच्छे काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखाए हैं, तो मानो सोचिए, संकल्प करिए कि यदि सातों MP, सातों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के यदि आम आदमी पार्टी के होते तो कितनी फास्ट स्पीड पर विकास होता, कितनी फास्ट स्पीड पर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के विकास कार्य करते। दिल्ली में सबसे पहले तो सीलिंग, जो जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मार्केट्स में दुकानों की सीलिंग कराई, अरविंद केजरीवाल जी के यदि सातों सांसद होते तो दिल्ली में सीलिंग नहीं हो पाती। हर जगह आज देख रहे हैं कितने महंगाई का दौर चल रहा है और उसके ऊपर से BJP ने मेट्रो के किराए भी बढ़ा दिए, जिससे आम आदमी त्रस्त है। यदि सातों सांसद अरविंद केजरीवाल जी के होते तो मजाल है कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार दिल्ली में मेट्रो के किराए बढ़ा देती, कि मजाल है कि भाजपा सरकार अपने उपराज्यपाल को कहकर मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पर बैठी रहती और 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का जो संकल्प, जो वादा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने तमाम दिल्ली वालों से किया, उसको ना पूरा होने देते। मजाल है उनकी कि वो ऐसा कर पाते। जब इतनी मुश्किलों के बाद भी इतने काम हो गए तो सोचिए यदि ये सातों सांसद अरविंद केजरीवाल जी के होते तो किस स्पीड पर विकास होता, 10 गुना स्पीड पर विकास होता। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दिल्ली पुलिस तक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वाले, दिल्ली सरकार वाले सही कर देते, उनको भी दिल्ली वालों की सेवा करनी पड़ती, अच्छे काम करने पड़ते। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। दिल्ली वालों की पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। अब आप बंगाल चले जाइए, बंगाल में लोकसभा चुनाव में भी बंगाल की जनता वहाँ की स्थानीय पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को वोट देके सबसे ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनकी पार्टी को देते हैं। उड़ीसा आ जाइए, उड़ीसा में उड़ीसा के तमाम लोग वहाँ की लोकल पार्टी जो है बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी की पार्टी, उनकी पार्टी को वोट देते हैं कि हमारी लोकल पार्टी की केंद्र में आवाज़ बने। उसी प्रकार से यूपी में आप चले जाइए, यूपी में भी स्थानीय पार्टियों को वोट पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, आंध्रा में पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली वाले भी दिल्ली की पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार चल रही है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को मजबूती देने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। हेल्थ केयर के संदर्भ में हमने पूरे हेल्थ केयर को एक 3-tier सिस्टम में बांट दिया। हमने कहा जो आपकी छोटी बीमारियां हैं, छोटा इलनेस है, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, गला खराब हुआ, या अन्य प्रकार की छोटी बीमारियां या छोटी तकलीफें, उसके लिए आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यानी कि मोहल्ला क्लिनिक्स में जाएं। मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए गए जगह जगह पूरी दिल्ली में और अभी हज़ारों की तादाद में पूरी दिल्ली में बनाए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिए मोहल्ला क्लिनिक्स बनने, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार जीत गई है, तो मोहल्ला क्लिनिक्स अब हज़ारों की तादाद में हर जगह दिल्ली में बनाए जाएंगे। तो पहला स्टेज है, पहला टीयर है मोहल्ला क्लिनिक्स। मोहल्ला क्लिनिक्स में आप जाइए, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया डॉक्टर नर्स हैं, सारी दवाइयां, सारा इलाज मुफ्त है। तो पहला स्टेज है मोहल्ला क्लिनिक्स। यदि आपकी बीमारी उससे थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है तो पॉली क्लिनिक्स सेकेंड लेवल पर हैं, जहाँ पर आप जाकर थोड़े एडवांस मेडिकल टेस्ट, थोड़े एडवांस्ड आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा दवाई वहाँ पर हो जाएगा। और भगवान ना करे आपको कोई बड़ा रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, उसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आप जाकर अपना सारा ट्रीटमेंट मुफ्त करा सकते हैं।
ये इसलिए भी है कि यदि किसी को छोटा सा बुखार हो, वायरल फीवर हो, उसके लिए वो सीधा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना जाए, पहले मोहल्ला क्लिनिक जाए। नहीं तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो जाएगी और रिसोर्सेज इतने कम पड़ जाएंगे कि जिस व्यक्ति को वास्तव में ज़रूरत है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, उसको वो रिसोर्सेज और वो एड मिल ही नहीं पाएगी। तो एक 3-tier सिस्टम में बहुत प्लानिंग के साथ इसको बांट दिया गया। दूसरी चीज़, सारे टेस्ट, सारी दवाइयाँ, सारा इलाज दिल्ली सरकार के इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि बिल्कुल मुफ्त है, किसी व्यक्ति को एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और आधुनिक टेस्ट, बड़े बड़े टेस्ट जिनकी लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें आती हैं, वो मशीनें मंगवा कर सारे टेस्ट फ्री कर दिए गए हैं दिल्ली वालों के लिए। तो एक एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर जो हमारा संकल्प था, जो हमारा वादा था, वो दिल्ली वालों को हमारी सरकार ने दिया है। आज सरकार से हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये दो इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति, हर दिल्ली वाला चाहता है कि सरकार हमें दे, और इनकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आपने देखा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल पूरी एक अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन लेकर, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स कई देशों के हमारे राज्य में आए, अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आए और मोहल्ला क्लिनिक्स का दौरा करने आए कि हम ये देखना चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो आपने बनाए हैं, जिसकी चर्चा विश्व में हो रही है, ये चलते कैसे हैं, ये कैसे ऑपरेट होते हैं, इसमें खर्चा कितना आता है, कैसे बनते हैं। और घूमने के बाद, सबका दौरा करने के बाद, उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम यदि कोई है तो वो मोहल्ला क्लिनिक्स का है, और हम अन्य देशों में भी इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। पूरे विश्व में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से क्वालिटी हेल्थ केयर हर गरीब आदमी तक पहुँचे, निचले तबके के आदमी तक भी पहुँचे, उसकी एक योजना आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाई है। और इतना इसका मैं कहूँ, मोहल्ला क्लिनिक्स इतने फेमस हो गए हैं और मोहल्ला क्लिनिक्स की इतनी रिकग्निशन हो गया है कि यदि आज आप अमीर से अमीर कॉलोनी में जाएं या गरीब से गरीब बस्ती में जाएं, हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि हमें मोहल्ला क्लिनिक्स दे दीजिए। अमीर से अमीर आदमी को भी मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को भी मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक सबको रोग मुक्त कर रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एयर कंडीशन क्लिनिक्स हैं। कहाँ सोचा था कि सरकार के एयर कंडीशन क्लिनिक्स की इतनी चर्चा होगी, इतनी वाहवाही होगी। वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली वालों ने आज से 3.5-4 साल पहले एक ईमानदार सरकार को चुना, पढ़े लिखे लोगों को वोट दिया, जिन्होंने उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा में विकास, उनके स्वास्थ्य में विकास के लिए काम करा। मुझे लगता है इसीलिए इतना कुछ हो पाया है। ऑनेस्टली, जो भी इंसान हमारी देश की भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराध की राजनीति को समाप्त करना चाहता है, वो आम आदमी में। आम आदमी या आम इंसान का मतलब आपकी इकोनॉमिक स्टेटस से, आपकी कास्ट या रिलीजन से, आपके सोशल स्टेटस से नहीं डिराइव होता है। अमीर से अमीर आदमी भी और गरीब से गरीब आदमी भी हमारी आम आदमी, आम इंसान की डेफिनेशन में आता है, यदि वो देश से इस सांप्रदायिकता का, अपराधीकरण की और भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त कर एक वैकल्पिक राजनीति देना चाहता है और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। मुझे लगता है वही सही मायने में आम आदमी है।